टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। लंबे समय के बाद देश में पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है। वजह, केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया है। इससे पेट्रोल के दाम 9.5 रुपए और डीजल के दाम 7 रुपए प्रति लीटर कम हुए हैं। वहीं राजस्थान और केरल ने भी राज्य स्तर पर वैट में कमी करके इनकी कीमतों को और कम करने का काम किया है। लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि सरकार को पेट्रोल और डीजल की कीमत में इतनी बड़ी कटौती एक साथ करनी पड़ी? मौजूदा वक्त में पेट्रोल और डीजल की कीमत देश में बाजार तय करता है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि चुनावों के दौरान इनकी कीमत स्थिर हो जाती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में यह भी देखने को मिला। चुनाव खत्म होने के बाद 22 मार्च से पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली और महज 16 दिन के भीतर ही इनकी कीमत प्रति लीटर 10 रुपए बढ़ गई। इसे लेकर सरकार को कई मोर्चों पर विपक्ष की आलोचना का शिकार भी होना पड़ा। ताजा कटौती से पहले पेट्रोल डीजल की कीमतें अप्रैल के शुरुआती हफ्ते से स्थिर बनी हुई हैं। एक्साइज ड्यूटी में नई कटौती के बाद दिल्ली में पेट्रोल का भाव 96.72 रुपए प्रति लीटर और डीजल का दाम 89.62 रुपए प्रति लीटर हो गया है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।